ऑल राइट गाइज, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज आप जानने वाले हैं कि मैं कंपाउंडिंग कैसे करती हूँ। तो कंपाउंडिंग करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये समझ लीजिए कि कंपाउंडिंग करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बिकॉज कंपाउंडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमने $100 डिपॉजिट किया तो हमें $100 की ट्रेड लेनी है तभी हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि $10 की ट्रेड लूंगा तो कंपाउंडिंग कर लूंगा, फिर आपका जो आप कर सकते हैं लेकिन आपका जो अमाउंट, आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो आप फुल अमाउंट से कंपाउंड करें। ठीक है, और कंपाउंडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी पर आप ट्रेड कर रहे हैं वो वर्क कर रही है या नहीं। कंपाउंडिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जब जाके हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कंपाउंडिंग कैसे करती हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों को 3 key points बताऊंगी, ठीक है, जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छा खासा जो आपका प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे अमाउंट को देख सकते हैं, आपको मेरा अमाउंट दिख रहा होगा। तो अभी आपको समझाने का तरीका मेरा यही है कि मैं आप लोगों को सबसे पहला की पॉइंट मेरा क्या है कि हमें सबसे पहले एक ऐसा असेट है वो ढूंढना होगा जिसका जो परसेंटेज है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ये, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है 81%। ठीक है, हमें जो परसेंटेज चाहिए, हमें चाहिए 80। ठीक है, तो 80, जिसमें 80% है हम वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो पहले मैं सेट कर देती हूँ यहाँ पे, ऑल राइट गाइज, आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो 80% वाले असेट्स हैं वो मैंने सेट कर लिए। टोटल 5 असेट्स हैं जो 80% में हमारे चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की पॉइंट है कि हमें एक ऐसा असेट ढूंढना है जिसमें 80% हो। और हमारा दूसरा की पॉइंट क्या है, दूसरा की पॉइंट है कि हमें एक बॉक्स ढूंढना है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, तो हम पहले ढूंढ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि हमें ढूंढना क्या है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, इसको क्लोन कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ढूंढ लिया है हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा की पॉइंट है हमारा, जो लास्ट की पॉइंट है, हमें ढूंढना है ट्रेंड। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमारा जो ट्रेंड है वो ओवरऑल यहाँ पे अप ट्रेंड है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में आया, एंड देन यहाँ से हम कंसंट्रेशन एरिया में चला गया मार्केट हमारा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट 30 सेकेंड से पहले आए। तो यहाँ पे मार्केट आ गया है, तो यहाँ पे हमने अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी। आपके सामने लाइव ट्रेड प्लेस करी है मैंने, ठीक है, तीनों चीज़ें यूज़ करके डेफिनेटली ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हमारी ट्रेड विनिंग में चल रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है, हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है $67 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, जैसे मैंने कहा था रेड कैंडल बनेगी। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं समझा देती हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने 3 key points के बारे में बात की थी। पहला पॉइंट क्या था, हमें एक असेट ढूंढना है जिसका 80% हो। ठीक है, और दूसरा की पॉइंट था हमारा कि हमें एक ट्रेंड, मतलब एक सॉरी एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, हमने एक बॉक्स भी बनाया, आपके सामने एक बॉक्स बनाया था। और तीसरा की पॉइंट था कि हमें ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि मार्केट पहले ऊपर गया एंड देन फिर कंसंट्रेशन एरिया में स्ट्रक हो गया, मतलब फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें फॉलो करके कंपाउंडिंग करा है, अपने अमाउंट को $67 हमारे पास हो गए। और अभी हमारे पास एक और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, अगर ये जो कैंडल बन रही है, ये आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बन रही है,
हम यहाँ से एक अप की ट्रेड ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमने एक अप की ट्रेड लगा दी, और ट्रेड लगाने का रीज़न भी बता देती हूँ। रीज़न क्या है कि आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड है, ठीक है, एंड यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, छोटा सा आपको माइनर ब्रेकआउट दिख रहा होगा छोटा सा। इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा, अभी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लोजिंग जो ये वो ऊपर हुई है लाइन के, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे हम यहाँ पे इनसाइड दिख सकते हैं, ठीक है। तो फुल अमाउंट हमने कंपाउंड किया है, और ये ट्रेड भी हमारी डेफिनेटली शॉर्ट शॉर्ट ITM हो रही है, ठीक है। और वेट करते हैं इसके विन होने का, ठीक है। ये ट्रेड हमारी ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट शॉर्ट ITM हुई है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, VIP सिग्नल चाहिए आपको, तो साइड में देख सकते हैं आपको हमारा VIP ग्रुप कितना अच्छा खासा एक्यूरेट रहता है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है। अभी हमारे अकाउंट में हो चुके हैं $120। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग VIP सिग्नल्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैं सिग्नल्स आपको दे रही हूँ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कैसे मूव करेगा, वैसे ही मैं वहाँ पे देती हूँ, ठीक है। और अब कभी कभार हम कंपाउंडिंग भी कराते हैं, कभी बार हम नॉर्मल सिग्नल्स भी देते हैं, और हमारे वहाँ पे 10% या 20% का हम वहाँ पे डेली प्रॉफिट करते हैं। और आप देख सकते हैं साइड में कितना अच्छा खासा रिजल्ट रहता है हमें VIP का, ठीक है। एंड पिन कमेंट में दे रखा है मैंने, ठीक है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स ले सकते हैं। VIP का कोई भी चार्जेस नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बस कुछ रिकंडीशन फॉलो करना है, एंड फिर आप एलिजिबल हो जाओगे मेरे VIP में जुड़ने के लिए, ठीक है। तो हम दूसरे सेट में चेक करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी, देखते हैं किसी और असेट में। तो गाइस हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं समझा देती हूँ। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सपोर्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें एक बॉक्स ढूंढना है, बॉक्स हमें मिल गया है, ठीक है। तो बॉक्स अब हम क्लियर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है मार्केट का वो 80% है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, ये बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है एंड यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा ट्रेंड, और हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर डाउन ट्रेंड है ये। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट के इस लेवल पे आने का, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग देता है, यहाँ से हम अपकी ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे एक अप की ट्रेड लगा दी है अपने, और अप की ट्रेड लगाने का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न क्या है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको इस कैंडल की विक भी दिख रही होगी, विक हमें ये दिखा रहे हैं कि बायस है जो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस लेवल पे आके, ठीक है। इस पे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बायस है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड ली है। और ये वाला जो हमने लेवल लगाया है ये ब्रेक हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे बायस बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है, जैसा मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है, माइनर ब्रेकआउट है, ठीक है। और इस वाली कैंडल को हम अगर यहाँ पे इस जगह आने दें तो हम यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं इस ट्रेड का आने का, अगर अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो लगाएंगे। वैसे लग तो नहीं रहा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम दूसरे सेट में चेक करते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत देर वेट करने पर बाद हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपका बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे क्यों लाइन लगाई है, ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करिए। तो अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रीज़न यही है कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है और प्रीवियस में आपको रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो टूट गया, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल टूट के कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। तो हम यहाँ पे एक आपकी ट्रेड लगाएंगे और मार्केट को इस लेवल पे आने देना है तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो दैट्स वाई उसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और कंपाउंडिंग करना गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड है और मतलब मुश्किल है, ठीक है, उसके लिए क्योंकि हम सारा अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हर ट्रेड पे कंपाउंड करने के लिए डबल करते हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपकी आपके लिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कंपाउंडिंग करना है फुल अमाउंट से तो बहुत सोच समझ के करिए, किसी सिग्नल्स के अगर आप सिग्नल्स के थ्रू करना चाहते हैं कंपाउंडिंग तो आप मेरे सिग्नल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टच नहीं हुआ है, तो जब तक टच नहीं होएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, तो देखते हैं हम किसी और सेट में। तो गाइस यहाँ हमने एक अप की ट्रेड लगा दी है और अप की ट्रेड लगाने का रीज़न यही है कि आपको दिख रहा होगा प्रीवियस हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से हमने अप की ट्रेड लगाई है, ठीक है, और अप की ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन होगी, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को ज़रूर मिलेगी। तो वेट करते हैं इस ट्रेड के विन होने का। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि मेरा जो वो वाला माइक था, दूसरा वाला जिसमें लाइट जलती थी, वो कहाँ गया, लेकिन वो मेरे से टूट गया था, मेरा हाथ लग के वो टूट गया, तो इस वजह से हम दूसरा माइक परचेज करेंगे, ठीक है, और जब तक हम इसी माइक से बोए माइक से ही काम चलाएंगे अपना। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी डेफिनेटली विन हो चुकी है, जैसा मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बनेगी और बन गई, हमारी लेट एंट्री थी लेकिन जो हमारी ट्रेड है वो विन हो गई, ठीक है। अब किसी और एसेट में चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हम डाउन की ट्रेड लगाने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे जो लेवल है ये ब्रेक होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे। अभी हमारा मार्केट ऑलरेडी डाउन आ गया तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही आप ऊपर जाता है वैसे ही डाउन की ट्रेड लगाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे से मिस हो गई बिकॉज जो हमारी एंट्री है वो हम ले नहीं पाए, तो मार्केट ऑलरेडी डाउन हो चुका था। तो यहाँ पे हमने डाउन ट्रेड लगा दी, ठीक है, और तो हमने यहाँ पे क्लियर रेड कैंडल देखने को मिलेगी, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ठीक है, और ये ब्रेकआउट क्यों होगा और मुझे क्यों पता है कि ब्रेकआउट होगा, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुका है, ठीक है। मार्केट अगर एक लेवल को और ज़्यादा बार रिस्पेक्ट करता है तो एक टाइम पर आकर उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और ऊपर से जो ये हमारा लेवल है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है, उसकी वजह से हम यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमारी जो एंट्री है उससे मार्केट नीचे रहेगा और क्लियर हमारी बिल्कुल आईटीएम हो जाएगी ट्रेड।
तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एक रेड कर्नल देखने को मिलेगी, रेड कर्नल देखने को मिल गई, डोजी है। लेकिन तो इस में से आपसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आपकी ट्रेड लेनी चाहिए, आपकी ट्रेड लेनी चाहिए। आपकी ट्रेड यहाँ पे इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको जो दिख रहा है, आपको जो हमारा पास्ट है वही हमारा जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। पास्ट की चीज़ें ही मार्केट फ्यूचर में करता है, ठीक है। जैसे आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और एक लेवल जो हमारा ये है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है बिकॉज़ यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो काम कर चुका है, ठीक है। एक बार काम कर लिया, दो बार काम कर लिया, तीन, एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे और सपोर्ट है वो काम कर चुका है, ठीक है। इसकी वजह से ब्रेकआउट देखना कंपलसरी है, और वो ब्रेकआउट होगा ही होगा, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ नहीं हुआ लेकिन यहाँ हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ होती है जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। और यही जो मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ की पॉइंट, तो सबसे पहले आपको ये डेमो में ट्राई करना है, ठीक है। एंड देन एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, ठीक है। अगर आपकी 10 में से 9 ट्रेड मतलब विन हो रही है तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 10 में से 9 ट्रेड आपकी विन होनी चाहिए डेमो में। अगर हो रही है विन तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो डेमो सेट के रियल में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी और देखते हैं मार्केट में, हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वन अदरवाइज हम वीडियो को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जो मेरा मोटिव था बताने का, जो चीज़ें मेरे को आपको समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। ये नहीं कि मैंने आपसे आई और अपने आप से ट्रेड ली और वो कर दी। मेरा मोटिव ये है कि आपको समझाना क्लियर। मुझे याद है कि मेरा अकाउंट में कुछ 30 यहाँ पे $35 थे, ठीक है। और अभी मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं $715 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कैसे की कि ये चीज़ मैंने जो चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरू में वही चीज़ फॉलो करके मैं यहाँ पे प्रॉफिट किया है, ठीक है, आपके सामने लाइव। तो और देखते हैं अपॉर्चुनिटी कोई हमें मिलती है तो। अगर आपको VIP में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में, एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। कोई पैसे नहीं लेते उसके हम, और टर्म कंडीशंस फॉलो करो उसकी, वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। तो और किसी एसेट में देख लेते हैं कोई, हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो एक दिन का इनफ हो चुका है वैसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।